मैं हूं सवानो सिद्दीकी। बुलंदशहर की थाना सिकंदराबाद पुलिस ने किया सोनू हत्याकांड का खुलासा, जहां हत्या के आरोपी मुन्ना आला को कत्ल में प्रयुक्त तमंचे व मृतक की बाइक से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दिनांक 2 दिसंबर को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गेसुपुर भराना रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव फेंक दिया गया था, जिसकी बाद में शनाख्त सोनू के रूप में हुई, जो सुरमल सिंह का पुत्र गांव भरतपुर थाना गुलावटी का रहने वाला है, जिसका अनावरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव व प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी के नेतृत्व में गंभीरता से किया गया। उपरोक्त हत्याकांड में मुन्ना उर्फ मुनिंदर पुत्र ब्रह्मपाल व नंदू पुत्र सदबीर का नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सिकंदराबाद ने मुखबिर की सूचना पर जोखाबाद फ्लाईओवर के पास से मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से सोनू की बाइक भी बरामद की गई, जिस पर अभियुक्त ने फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। दिनांक 2 दिसंबर को सुबह के समय एक अज्ञात व्यक्ति का शव सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में मिला था। पुलिस ने प्रयास करके उस शव की शिनाख्त की। उसकी शिनाख्त सोनू निवासी बरमटपुर गुलावटी के रूप में हुई, जो इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री जो लोहा गलाने की है उसमें मजदूर के रूप में कार्य करता है। और इसमें बड़े गंभीरतापूर्वक प्रयास किए गए, अभियोग का अनावरण किया गया। घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त मुख्य अभियुक्त मुन्ना, जो औरंगाबाद का मूल निवासी है तथा वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर का काम करता है, आला कत्ल के साथ तमंचे के साथ और मोटरसाइकिल के साथ जो घटना में इस्तेमाल हुई थी गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से कारतूस और तमंचा बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों इस घटना में 2 अभियुक्त थे, तीनों आपस में मित्र थे, एक साथ बैठ के इन्होंने शराब पीने के दौरान ही आपस में गाली गलौज हुआ और इसी बात पर जब गाली गलौज बढ़ गई तो साथ में चल रहे अभियुक्त मुन्ना के द्वारा अपना तमंचा निकाल करके इसको गोली मार दी गई और वहाँ मोटरसाइकिल से चले गए। मोटरसाइकिल के पहियों के निशान मौके पर मौजूद थे, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि ये कोई मोटरसाइकिल यहाँ आई है और उसका भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मदद से मोटरसाइकिल के पहियों के मिलान की प्रक्रिया भी हम लोग करा रहे हैं। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।